हेलो एवरीवन, कैसे हैं तुम सगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, और ये टॉपिक करने से आपका फिजिक्स का स्कोर बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ये जो एनालिसिस है वो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर से उसके हिसाब से किया है, ठीक है। तो अगर आप इतने भी टॉपिक्स अच्छे से करके जाते हो तो भी आपका फिजिक्स एक सेफर साइड पे आप आ जाओगे, आपकी नैया डूबने से बच जाएगी, 100% एश्योरेंस। तो जिसका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है या जो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ चुके हैं उनको अगर नहीं समझ रहे कि इतना बड़ा फिजिक्स कैसे कवर करे, तो जो मैं टॉपिक अभी आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस वो प्रीवियस बहुत सारे सालों से रिपीटेडली पूछते जा रहे हैं। अगर ट्रेंड वैसा ही रहा तो आपको बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। सो माई यूट्यूब चैनल इज केडी एजुकेयर, अबाउट मी माई सेल्फ किरण दोरगे, और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है मेरे वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, आप ये देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन एमएसटी सीईटी फिजिक्स। तो 50 में से मैक्सिमम कितने स्कोर कर सकते हो आप? जिसका बहुत अच्छा पढ़ाई हो चुका है वो 50 में से 50 भी कर सकता है, लेकिन अगर आप एवरेज हो, आपका प्रैक्टिस टेस्ट में स्कोर 15-20 आ रहा है, तो उसको आप 30 से 35 तक आराम से लेके जा सकते हो। ये सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज करना, 35 से 40 तक आपके मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो। अगर अच्छा खासा आपका स्कोर आ रहा है तो और एक्यूरेसी आप ये टॉपिक से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया है, इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जो आपके है उसके ऊपर एक एनालिसिस है ये। तो सबसे पहले देखते सर्कुलर मोशन, ये जो पार्ट है इसके ऊपर क्या क्या पूछ रहे। वो सर्कुलर मोशन के ऊपर मिनट हैंड अवर हैंड का जो कन्वर्जन होता है ना, मिनट हैंड किसको बोलते हैं, अवर हैंड किसको बोलते हैं, इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे वो लोग। सो मिनट हैंड कितना होता है, अवर हैंड कितना होता है, 12 आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है, जो भी होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर के जो भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लो। जो बोर्ड है आपका उनका ये फेवरेट पार्ट है, इसके ऊपर वो 2 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड का अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, उसके ऊपर बेस्ड भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम, इसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम का फाइनल आंसर आपको पता होना चाहिए, और उसमें से जो टी की वैल्यू निकालते हो आप टाइम पीरियड, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टिकल, अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा मूव करवा रहे हो, तो टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बीच में वेलोसिटी क्या होगी, और एंड में वेलोसिटी क्या होगी सबसे नीचे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड एनर्जी के इक्वेशंस आपको निकलने आना चाहिए। अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारी जानकारी है, मतलब पहले फॉर्मूला निकालो और उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चंस कर दो, आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद जो इक्वेशंस है ना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, मतलब जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है, v=at s=ut+ 1/2 at², v²=u²+2s, यही इक्वेशन को आप रीअरेंज करते हो ना। v=u+at की जगह पे आप लिखते हो ω=ω0, है ना। a के जगह पे अल्फा लिखते हो, t के जगह पे t लिखते हो, s के जगह पे थीटा लिखते हो, वो वाले 3 इक्वेशंस वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे ना, मिनट हैंड अवर हैंड, बैंकिंग ऑफ रोड, सिंपल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इक्वेशंस, ये जितने भी लिखे ना उसके ऊपर 5-7 क्वेश्चंस कर लो, आपका काम बनने वाला है, ठीक है। तो 5-7 क्वेश्चन करोगे तो सर्कुलर मोशन के 30 MCQs आप ऐसे टाइप इसमें से लगा लेना, 30 से 50 लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से भी क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफेक्टिव ग्रेविटी एट सर्टन हाइट एच, उसके बाद डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन टॉपिक में ये 2 हॉट टॉपिक्स है, ये छोड़ के भी फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि यही 100% आने वाला है, ये पिछले क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस के हिसाब से मैंने बनाया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने फिजिक्स का स्कोर बूस्ट कैसे करते हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना। आपको फिजिक्स के लिए 8 पॉइंट्स मैंने बताया है कि किस तरह से करना है, वो स्ट्रैटेजी आप केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको एक अलग से फॉर्मूला शीट बनानी होती है, लेकिन ये जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस ज्यादा देना आप। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, ओके, अभी ये जी एट हाइट डेप्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर रिलेवेंट 10-10 क्वेश्चंस कर लेना, आपका काम अच्छा खासा बन जाएगा। रोटेशनल मोशन में देखो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। सो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv², 1/2 iω², ये पूछ रहे हैं।
उसके बाद वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। और उसके बाद स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, मतलब अगर एक रॉड है जिसका लेंथ एल है तो सेंटर एक्सिस से कितना होगा, एंड वाले एक्सिस से कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आप एक साइड पे रख देना, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड यही क्वेश्चन वो रिपीटेडली पूछ रहे। ऑसिलेशंस में देखो क्या है, ऑसिलेशंस में ग्राफ, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, वो ग्राफ और उसके कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। वो आपको पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में क्या फेज डिफरेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में क्या फेज डिफरेंस होगा, ये पूछ रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो सब इक्वेशंस है ना काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेवेंट इक्वेशंस पता होने चाहिए, बिकॉज उससे रिलेटेड एम्पलीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकलने के लिए वो बोल रहे हैं। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड टाइम पीरियड वो निकालने के लिए बोलते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो T की वैल्यू अलग अलग दी जाती है। दूसरे सिंपल पेंडुलम में T की वैल्यू ओरिजिनल से 1/6 है या 1/8 है, ऐसा दिया जाता है। कंपैरिजन करके आपको लेंथ निकालने बोल सकते हैं, टाइम पीरियड का कंपैरिजन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ आपको बोला जाएगा। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, आपके सिलेबस का जो सीक्वेंस है या टॉपिक के नाम आप बोलेंगे इलास्टिसिटी तो हमें है ही नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, ठीक है, तो वही हम लोग इलास्टिसिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो आप यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारे फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन मालूम होना चाहिए, और उसका जो एनर्जी इक्वेशन है ना, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हाफ, ये जो इक्वेशन है ना वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बन जाने चाहिए। तो एनीवेज, सो यहां पे आप 5-5 क्वेश्चंस कर लेना, इससे रिलेटेड आपका काम बन जाएगा। ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। एनीवेज, सो ये है टॉपिक 5। टॉपिक 6 देखते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हॉट फेवरेट टॉपिक है, सरफेस एनर्जी के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके बाद एक क्वेश्चन तो रिपीटेडली वो पूछते ही जा रहा है। आपके पास एक बड़ा बबल होता है, ठीक है, उसका अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वो तोड़ के छोटे छोटे बबल्स बना रहे, 512 बबल्स बना रहे, 1000 बबल्स बना रहे। तो आपको क्या करना होता है, रेडियस बड़ा और छोटा के बीच में एक रिलेशन निकालना होता है, और उसके बाद सरफेस एनर्जी का जो कन्वर्जन है या फिर रेशो आपको कंपेयर करने के लिए बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ये करके जाना बहुत आसान है, इससे रिलेटेड 5-10 न्यूमेरिकल कर लो, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है वेव मोशन, या फिर आप इसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हो। तो इसमें जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है उसके इक्वेशंस आपको करके ही जाना है, वो नहीं क्या बड़ा सा इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा की जगह पे 2π/T रखते हो, के जगह पे 2π/λ रखते हो, और उसके 5-6 टाइप्स है, ठीक है। अगर नहीं तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, ऑसिलेशंस, वेव मोशन, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको यहाँ पे किधर भी डाउट है आप मेरे वीडियोस पे जाके देख लो, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे में है। अगर नहीं तो आप अपना टेक्स्ट बुक जहां से आप अभी तक पढ़े हो उसमें चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके हिसाब से वो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी निकालने बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला जो है ना, जिसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, वो एक हॉट टॉपिक है, वो पूछ रहे हैं वो। तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन M, ये आपका फॉर्मूला होता है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग, M मास पर यूनिट लेंथ, तो V इज इक्वल टू N लैम्डा, तो N इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला यूज करके स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन बन रहे, हर साल पूछ रहे। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप भूल के भी नहीं भूलना है आपको, मतलब पहले क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के सारे फॉर्मूले रटने हैं, कुछ भी हो जाए और उससे पहले 5-5 क्वेश्चन दोनों के करके रखने हैं, आता ही है एग्जाम में। और ये खत्म होने के बाद है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, वो सोर्स से पास होके आगे जा रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो, ऐसा सब पूछ रहे बोलो। तो डोपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। तो वेव मोशंस रिलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो छोड़ने नहीं है। जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, SHPW इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रिंग, क्लोज ऑर्गन पाइप, हर एक के ऊपर बेस 5-7, 5-7, 5-10 न्यूमेरिकल्स करो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप करोगे, इससे रिलेवेंट आपका काम आसान होने वाला है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्टरी इक्वेशन है ना, प्रेशर का इक्वेशन, मतलब अगर एक आपके पास एक कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल बहुत सारे मूव कर रहे, तो प्रेशर का इक्वेशन है, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे, वो सारे इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन देख के आंसर आ जाता है। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, बायोटॉमिक के अंदर रिजिड, नॉन रिजिड,
जो है और पॉलीएटमिक, जिसमें जो गैमा की वैल्यूज है ना उसके ऊपर फोकस करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सीपी अपॉन सीवी, ठीक है, ये जो चीज है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे फॉर्मूले वो आप करके जाना, केडीजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। अभी तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में देखो, जो आपका 11th स्टैंडर्ड का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1, ये म्यू 2 अपॉन मी 1 इक्वल टू वी 1 अपॉन वी 2, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट है ब्रूस्टर्स लॉ, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको पता ना हो चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस के जो इक्वेशन है आपके 12th स्टैंडर्ड के, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन के इक्वेशंस पता होने चाहिए। इंटरफेरेंस इक्वेशंस में जो पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वहां पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और फ्राउनहोफर का एक ही इक्वेशन, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हो गया ऑप्टिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, ये हर साल क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, गलती से यहाँ पे कैपेसिटरी हुआ है, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक आप छोड़ देना, कैपेसिटर, ठीक है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, आता ही है। डाइलेक्ट्रिक जब आप पैरेलल प्लेट के अंदर रखते हो तो वो उनका फेवरेट है, वो उनके ऊपर पूछ रहे हैं। उसके बाद एनर्जी का इक्वेशन है हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर, है ना, तो वो कैपेसिटर का जो एनर्जी इक्वेशन है वो आपको करके जाना है। और गॉस लॉ का जो बेसिक्स है, जितने भी है 4-5 एप्लीकेशन, उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। 11th देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर वो क्या पूछ रहे हैं, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर के ऊपर इक्वेशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर का इक्वेशन, और रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल अपॉन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मीटर ब्रिज में एक नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस दिया जाता है, बैलेंसिंग लेंथ दी जाती है, फिर नॉन रेजिस्टेंस में और कुछ रेजिस्टर एड करके सीरीज में करके आपको इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं। तो एनीवेज ये आपको मीटर ब्रिज के अंदर करके जाना है। एनीवेज व्हीटस्टोन्स ब्रिज इक्वेशन ये आप देख लेना एक बार, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी जो है ना, ये उनका फेवरेट है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि डिफ्रेक्शन कितना होगा, क्या होगा। उसके बाद अगर कोई भी एक चार्ज आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो तो वो क्या है, सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दो फॉर्मूलाज है। दो फॉर्मूला का राइट हैंड साइड कंपेयर करके आपको आर की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, ऐसा सब वो बोल रहे हैं। तो ये है चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से ये हॉट फेवरेट टॉपिक है उनका। एसी सर्किट करंट में वो क्या पूछ रहा है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप बोलो, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें वो फ्लक्स का इक्वेशन पूछ रहे हैं, फाइ इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सो बी ए कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन यूज करना है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइ अपॉन डी टी यूज करना है। तो फ्लक्स की वैल्यू देते हैं 5152, और वहां पे आपको टाइम इक्वेशन टाइम दिया जाता है, तो वहां से फ्लक्स निकालने बोलते हैं, या फिर फर्स्ट फ्लक्स से फाइनल फ्लक्स निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स का इक्वेशन अच्छे से करना है। ग्राफ में आर एल सी बेस्ट करके जाओगे, आर का ग्राफ अलग से, एल का ग्राफ अलग से, सी का ग्राफ अलग से, जब भी आर एल सी आप एसी करंट के अक्रॉस लगाते हो वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, इंपेडेंस वगैरह पता होना चाहिए। आर एल सी सर्किट का जो प्रॉपर आर एल सी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो वहां पर क्या इक्वेशन है वो करके जाने हैं, और एंड में जाके जो रेजोनेंस है उसका ग्राफ क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। एनीवेज ये जो चैप्टर नंबर 12 है, उसके बाद थोड़ा सा ये भी है, वो एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में वो क्या पूछ रहा है, मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वहां पे टॉर्क का जो इक्वेशन है उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिज्म का बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मिस है, आप अपने नोटबुक में वो लिख लेना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद एनर्जी इक्वेशन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो वहां पे जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रो जो वर्क फंक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स ये जो दो पॉइंट है इसके ऊपर वो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई की जो सीरीज है ना, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, उसका फॉर्मूला रट लेना, उसमें वेवलेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं उसको अच्छे से करके जाना। और एटम्स न्यूक्लियाई में जो रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ वगैरह, वो आपको अच्छे से करके जाना है, बिकॉज उसके ऊपर वो प्रीवियसली भी क्वेश्चन पूछ रहे और आगे भी क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस है। तो ये हो गया एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में। चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर, चैप्टर नंबर 16 नहीं बोल सकते, टॉपिक 16 सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी डायोड्स है,
फोटो डायोड, लाइट डायोड, एलईडी, उसके बाद जीनर डायोड, उसके सबके जितने भी सिंबल्स है वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स बायस में होता है वो वाला करके जाना है, और उसके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। तो ये डायोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है उसके एंड में जो ट्रांजिस्टर्स है, उसके बाद एम्पलीफायर्स जो है उसके फॉर्मूला पता होने चाहिए, उसके बाद लॉजिक गेट्स का बेसिक पता होना चाहिए, एंड नैंड और एक्सओआर वो सब क्या है जस्ट बेसिक पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक क्या है वो थोड़ा बेसिक भी पता है तो भी चल जाएगा। सेमीकंडक्टर के ऊपर दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसके लिए वो करके जाना है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या जो बेसिक है, इसमें देखो मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे, तो उसका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है ब्लॉक डायग्राम वो आप अच्छे से करके जाओ, उसके जितनी भी चीजें लिखी है नीचे वो करके जाओ। और इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ सिलेक्टेड एक दो फॉर्मूला ही है उसके ऊपर बेस्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें से एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपका अच्छे से होना चाहिए। और ये होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पहले आपको सारा एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, और टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन है इंटरनल क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चन वो आप अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छे से करके जाओ, फिजिक्स में आपके 35-40 मार्क्स एश्योर्ड हो जाएंगे। ये ट्रिक्स है। और जो बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ के हो चुका है वो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे देना, अपना स्कोर चेक करते रहना कि 50 में से आप कितना हिट कर रहे हो एवरी टाइम, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको बहुत फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, मिलके सबका फायदा करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस एंजॉय करो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी वो चैनल दिखाना, उनको भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और आपको क्या चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट। सो ये है मेरे YouTube चैनल की लिंक, ये है मेरा चैनल का Facebook पेज, और ये है मेरा पर्सनल प्रोफाइल पेज। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।